आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज। मेरे साथ हरीश रावत जी मौजूद हैं, जो कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं। आज जो है बहुजनों के लिए जो रैली की जा रही है उसमें रामलीला ग्राउंड में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि आज जो है संविधान बचाने की बात हो रही है, जो नया संसद बना है उसको बाबा भीम साहब के नाम पे करने की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मांगा जा रहा है और ईवीएम को बैन करने की बात हो रही है, कैसे देखते हैं? देखिए ये एक ऐतिहासिक आवश्यकता है। यदि आप सदियों के अन्याय के इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहते हैं तो इस भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के तत्व का समावेश करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर नई संसद भवन का नामकरण होना चाहिए, और ताकि ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान के प्रति हमेशा समर्पित भाव से काम कर सके, आने वाली संसद समर्पित भाव से उन मूल्यों और सिद्धांतों के लिए काम कर सके जिसके लिए भारत की आजादी की लड़ाई और भारत का संविधान खड़ा है। आज 88% बहुजन होने के बाद भी, 88% देश में बहुजन है उसके बाद भी जो है तमाम जो लोग हैं वो आज प्रभावित ज्यादा दिख रहे हैं, कैसे देखते हैं 88% के बाद भी ऐसा क्यों? ये इन्होंने जो जनता की ताकत है उसको बांट दिया है। जो आज सत्ता में है वो अंग्रेजों के मानसिक पुत्र है, बांटो और शासन करो। तो हरीश जी, हरीश रावत जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। तो आज जो है अपना समर्थन दर्ज करवाने वो यहाँ आ गए हैं रामलीला मैदान। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम भीड़ जो है बहुजनों की, अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग मौजूद हैं। तो क्या सोचते हैं आप, जो हरीश रावत जी ने बोला है उस पे आप अपने विचार जो है कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।